सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों कुछ देर या दो साल हुआ है iOS आया है और iOS 13 2 साल में एप्पल को पीछे रख के सेकंड पोजीशन में आ गया है। तो क्यों एप्पल पीछे हो गया और iOS सेकंड पोजीशन में आ गया? एंड्रॉयड OS के बाद ही अगर कोई OS आता है iOS। आज हम जानेंगे कि iOS क्यों सेकंड पोजीशन में आ गया और एप्पल क्यों पीछे चला गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं ये iOS के बारे में। दोस्तों पहले क्या होता था, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 से 2019 तक सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल हो रहे हैं। जब 2010 साल या 11 साल 12 साल में इतना कुछ एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं होता था, ज़्यादातर फीचर्स फ़ोन ही इस्तेमाल होता था। अभी भी हमारे सबके पास ही एक फ़ीचर फ़ोन तो होता ही है, मतलब एक तो जो फ़ोन है फीचर फ़ोन जो रहता है वो एक हमारे बेसिक फ़ोन होता है और दूसरा एक एंड्रॉयड फ़ोन होता है। फीचर फ़ोन हम क्यों रखते हैं? एंड्रॉयड फ़ोन हम लोग ज़्यादा गेम खेलते हैं, कुछ सोशल नेटवर्किंग के काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है बैटरी जब सबसे ज़्यादा ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है हमको कॉल करने में प्रॉब्लम होता है, इसी कारण हम एक फीचर फ़ोन तो रखते ही। तो अभी क्या हुआ, जो जियो ने एक फ़ोन लाया, जो लाइफ के एक फ़ोन लाया था जियो ने, जिसमें 4G सपोर्ट करेगा, उसमें व्हाट्सएप होगा, उसमें फेसबुक होगा, सब कुछ उसमें होगा। तो उसका वो जो OS इस्तेमाल किया था उसका नाम था iOS, और iOS बहुत ही बहुत ही अच्छा OS है जो बहुत ही छोटा है मगर इस्तेमाल करने के लिए एकदम ठीक है। अगर कोई बेसिक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वो iOS बहुत ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि iOS में जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही छोटा है, इसी कारण सबके सब बहुत ही लोग पसंद कर रहे हैं ये iOS को। एंड्रॉयड तो हम लोग ज़्यादातर यंग जनरेशन करते हैं इस्तेमाल, मगर जो हमारे पिता है, हमारे अंकल जो है, हमारे चाचा जो है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अभी तक क्या उसका फीचर्स फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो फीचर्स फ़ोन के इस्तेमाल करने से जब उसके पास जियो के ये फ़ोन आया तो वो लोग इस्तेमाल करके देखा, हाँ उसका जो फ़ोन है एकदम सही वैसा ही है मगर इसमें कुछ टीवी भी देख सकते हैं, वो इसमें वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, उसका इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके इस फ़ोन के प्रचार भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ और बहुत ही यूनिट बिक भी गया इंडिया में। तो अभी भी जियो ने कुछ सिस्टम भी कर दिया था, कुछ पुराना कुछ फ़ोन लाओ और उसके बदले में नया फ़ोन लेके जाओ कुछ पैसा देकर, और ये भी काम कर गया। और जब ये दो चीज़ काम कर गया तो एंड्रॉयड OS के बाद ही iOS बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ 2 साल में इंडिया में एक अच्छे जगह बना लिया। अभी इंडिया में जैसे बुजुर्ग आदमी जो है फ़ोन इस्तेमाल करते ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते कर पाता है, एप्पल के फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ब्लैकबेरी के फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसके लिए एक iOS एक बेटर ऑप्शन निकल गया है। क्योंकि एंड्रॉयड OS में जैसे एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एक जगह है प्ले स्टोर, वैसा ही iOS स्टोर भी है जिसमें जो जो बेसिक चीज़ है वो हमको मिल जाते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ऐसा छोटा छोटा एप्लीकेशन आ ही रहा है। और दूसरा है इसका जो सिस्टम बना के रखा है बहुत ही क्या बोला अच्छा है, बहुत ही सहज है, इसी कारण इसमें बहुत ही एप्लीकेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही एप्लीकेशन है। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन रहता है वो बहुत ही साइज में छोटा रहता है, इस कारण ये फ़ोन बहुत ही अच्छा हो गया। और इंडिया में जब ये फ़ोन अच्छे तरीके से चलने लग गया तो बाहर के देश में भी सभी यही चीज़ देख रहा था कि iOS में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, इसका फ़ोन भी खूब जो बहुत ही ज़्यादा लैग भी नहीं होता है, छोटा एप्लीकेशन होने के लिए ये फ़ोन इस्तेमाल करने भी सहज हो रहा है। तो इसी कारण टोटल वर्ल्ड में ये iOS को लेकर काम शुरू हो गया। और इसके बाद देखा जाए तो सबके पास जब एंड्रॉयड फ़ोन है उसके पास एक बेसिक फ़ोन भी रहता था पहले, क्या कुछ नोकिया का या कुछ सैमसंग का नॉर्मल एक फ़ोन रहता था, अभी क्या हो रहा है उसके जगह में एक बेसिक सा फ़ोन ले रहा है जिसमें iOS है। तो उसमें क्या हो रहा है, अभी फीचर फ़ोन जो आ गया उसमें अगर उसका कुछ एंड्रॉयड फ़ोन के बैटरी ख़त्म हो गया तो उसके इस फ़ोन से भी आप वो व्हाट्सएप के काम कर सकते, फेसबुक कर सकते, ईमेल भी देख सकते। तो इसी कारण सबके पास अभी ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, ये जियो के फ़ोन ले रहा है या कुछ ऐसा भी कुछ फ़ोन आया है, 2-3 कुछ इंटेक्स का भी एक फ़ोन आया था, कुछ कार्बन का भी एक फ़ोन आया था, वो भी iOS के ऊपर, तो वो फ़ोन भी ले रहे हैं।
तो इसी कारण इंडिया में बहुत ही जल्दी एक iOS सॉफ्टवेयर भी बहुत ही सिस्टम भी बहुत ही आगे आ गया, बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गया और टोटल वर्ल्ड में भी यही चल रहा है। और एप्पल जो हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा उसका कीमत रहता है, एक आम आदमी एप्पल लेने के लिए हैसियत उसके पास नहीं रहता है, क्योंकि कुछ एप्पल के फ़ोन लेगा, अच्छा फ़ोन लेने के लिए जाओगे कुछ 20,000 के ऊपर रहता है या 30,000 से 40,000 तक चला जाता है। तो इसी कारण बहुत से लोग क्या करते हैं, ये फ़ोन नहीं लेता है। और बुजुर्ग आदमी तो एप्पल के फ़ोन के तरफ ही नहीं जाते, क्योंकि उसको एंड्रॉयड सही से इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है, उसीलिए वो लोग एंड्रॉयड के तरफ कुछ भी कुछ तो जाता है मगर एप्पल के तरफ ज़्यादातर नहीं जाता है। तो इसी कारण जो ज़्यादातर लोग जो इंडिया में अभी तक फीचर्स फ़ोन इस्तेमाल करते उसके लिए एक बेटर ऑप्शन हो गया है iOS। इसी कारण iOS अभी वो इंडिया में सेकंड पोजीशन में आ गया है। इसके बाद 2020 और 21 जब आएगा तब क्या होगा, ये iOS और भी खुद को डेवलप कर लेगा और वर्ल्ड में जितना भी देश है उसमें भी इसका फ़ोन इस्तेमाल होगा। तो इस कारण देखा जाए तो एंड्रॉयड को भी पीछे रख के iOS आगे आ सकते हैं, क्योंकि जो जो लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते वो लोग एक फीचर्स फ़ोन तो इस्तेमाल ही करते हैं, मगर जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते वो भी फीचर फ़ोन इस्तेमाल करना चालू कर दिया। इसी कारण एंड्रॉयड को भी पछाड़ के iOS आगे आ सकता है। तो फिलहाल हम देखेंगे और भी दो साल के बाद हम देखेंगे iOS का इस्तेमाल कैसे होता है, मगर 2019 में iOS का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो रहा है टोटल वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया है क्यों iOS इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है टोटल इंडिया में और टोटल वर्ल्ड। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, क्योंकि हम जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।